सॉरी मम्मी जी, पर मम्मी जी मैं अकेला नहीं नाच रहा था जी, गुलगुले भी मेरे साथ नाच रहा था जी। ए, 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 गोपी क्या कह रहा है यार तू? अरे अपनी उम्र का कुछ लिहाज तो कर। पर मैं तो यार कब से काम कर रहा हूँ, आई एम सो बिजी। ओहो, उल्टी फाइल पकड़ के जो है काम हो रहा है, उल्टा पढ़ के। चल उल्टा पढ़ना आ गया था ना, उल्टा पढ़ के बता। चल चल। ओ पढ़ उल्टा। जा रे क्यों ये मी तारा लो का पेरेता। पेरेता नहीं, रेपेटा। और तू अपने साले आखिरी के कुछ दिनों में है नाचे ले रहा बिल्कुल ही ईब नाच तू सारा दिन, मन ने जो है एक बार भी रुका हुआ ना दिखियो। जब तक थारे पांव चलेंगे थारी सांसें चलेंगी, क्लियर? हड़िप्पा। हेलो मैडम। मैडम एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पे FIR लिखवाने आए हैं। मैडम मैं हूँ पिंटू पियानो इंडिया में। अच्छा, ना ऑस्ट्रेलिया में होता तो पिंटू हारमोनियम होता। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है पिंटू पियानो इंडिया में। और तू? मैडम मैं हूँ चिंटू चटवाल। कबूतर उड़ गए। कबूतर उड़? यू मीन मसक कला। क्या समस्या है पिंटू? या तो तू बता दे या मैं बता देता हूँ। कबूतर उड़ गए। नहीं 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 चिंटू तू रहने दे, मैं ही बता देता हूँ। मैडम समस्या ये है कि हम दोनों का फ्लैट एक ही बिल्डिंग में है और हम दोनों के पास पार्किंग भी है। मेरी पार्किंग का नंबर है 8203 और इनकी पार्किंग का नंबर है 8205 इंडिया में। ओ तो 8204 कहाँ रह गया? वही बता रहे हम लोग, जिसका 8204 है ना उसके पास कार ही नहीं है। अरे तो क्या करना है उसका, ना उसकी लॉटरी निकलवा के जो है गाड़ी दिलवाऊं उसे मैं, या प्रेजेंट करूं दिवाली पे। एक्चुअली बात यह मैडम कि वो है ना वो कार पार्किंग में कार पार्क करता ही नहीं है इंडिया में। मैडम वो कार पार्किंग में ट्रक घुसेड़ के खड़ा करता है। अब उसकी वजह से हमारी पार्किंग और इनकी पार्किंग में जगह ही नहीं बचती है। इतनी इतनी सी जगह बचती है, हम अपनी कारें खड़ी करें तो करें कहाँ? जो कौन हो रहा है रुस्तम ए हिंद बजरंगी पहलवान, जो गाड़ी की जगह पे जो है ट्रक पार्क कर रहा है, हैं? और ये तुम्हारे जो है बिल्डिंग है सेक्रेटरी वगैरह सोसाइटी के, उनसे बात ना करी तुमने? मैडम सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ बात हुई लेकिन उसने कहा कि तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता इंडिया में। यो कौन हो रहा बेवकूफ सेक्रेटरी, बुलाओ साले को। मैडम ले आया बिल्डिंग का सेक्रेटरी। मैडम सेक्रेटरी होके नहा रहा था, मैंने कहा मैडम ने बुलाया तुरंत बुलाया, अभी के अभी बुलाया, चलो हाथ पकड़ के लेके आया मैं मैडम। रास्ते में इसे लोग देखकर कुछ अजीब से रिएक्शन दे रहे थे इसलिए मैंने तौलिया बांध दिया। अबे साले इतनी क्या अर्जेंसी थी ना इस बल्गर स्टेट में आदमी को ले आया, यहाँ चौकी में लेडीज भी हैं। लेडीज कहाँ है मैडम यहाँ? ओ सॉरी, हाँ लेडीज हैं। मैडम ये है सेक्रेटरी इंडिया में। नाम बताइए जरा अपना। अरे मैडम टेंशन तिवारी टेंशन में। टेंशन तो तुमने इन दोनों को दे रखा है बेचारों को। सेक्रेटरी साहब किस बात की टेंशन है?
बीवी घर में बर्तन धुलवाती है या झाड़ू लगवाती है? क्या कर रहा है तू? सालसा। आप ही ने कहा था ना पूरा दिन नाचना है। तू कुछ मत कर, तू कुछ ना कर, प्लीज स्टे स्टिल। ना हो सके तो सांस भी ना ले तू। कैरी ऑन। अरे यार, क्या है आपकी बिल्डिंग में है? सोसाइटी के सेक्रेटरी होके क्या कर रहे हैं आप? कार पार्किंग में लोग ट्रक खड़ा कर रहे हैं, सुना है मैंने। मैडम ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब सलमान की गलती है। टेंशन में। हाय। सलमान खान की? नहीं मैडम, सलमान सिद्दीकी। हमारी बिल्डिंग के चेयरमैन है वो। अब मैडम उन्होंने ऐसा कोई नियम ही पास नहीं किया कि पार्किंग में सिर्फ कार पार्क होगी। टेंशन में। मैडम आप कहे तो बुलाऊं सलमान सिद्दीकी को? कोई फायदा नहीं मैडम, वो जेल में है। एक साल के बाद वापस आएंगे, अपने ऑफिस में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो मैडम अब जो कुछ भी होगा एक साल के बाद होगा। मैं जाऊं? हाँ तो एक साल तक हम हमारी कार कहां पे पार्क करें? इंडिया में? इतना बड़ा इंडिया है, कहीं पे भी पार्क कर दो। मैडम अब मैं चलता हूँ। मैडम मतलब एक साल तक कबूतर उड़ गए? अबे ऐसे कैसे उड़ गए कबूतर? उसको बुलाओ जो मेन आदमी है, जो ट्रक खड़ा कर रहा है, ट्रक वाला। आइए आइए। और गल सुनो जी, इतने चंद्रमुखी चौटाला कितने? हमको जहाँ बुलाया है। ओहो, पंजाबी भरा हमारा। पंजाब तो कड़ी जगह, मैं शहर नाभा। मैं सानेवाल तो उत्तर जी का पिंड। अल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है। ए आहा, ए आहा, ए आहा। गल सुनो। हाँ जी। वो सामने बैठे ने मम्मी जी, जाके मिल लो। मम्मी जी तुहाडी बेबे इत्थे? नहीं नहीं, मैं मैडम जी नूं मम्मी जी कह के बुलाना है। अच्छा, जाके मिल लो, कोई प्रॉब्लम होए मैं इत्थे ही हां, मैनूं दस दिओ। ठीक है, जरूर जी जरूर, थैंक यू। हाँ जी बुलाया जी। तू है वो आदमी है जो अपना ट्रक इनकी पार्किंग के बीच में ठूसे ले रहा है? जी नहीं जी मैडम जी, हम जी अपना ट्रक अपनी पार्किंग में खड़ा कर रहे हैं, हॉर्न बजा के पा पा। नाम क्या था रे? जी आशिक आलू वालिया, हॉर्न बजा के पा पा। आलू वालिया? हाँ। अरे यार आलू वाले से आलू की टिक्कियां याद आ गई यार। अरे मैडम हमारे यहाँ सामने ना वो एक चुन्नू चाट वाला है, क्या आलू की टिक्की बनाता है, कमाल की, मतलब देख के मुंह में पानी। अरे भाई साहब यहाँ पे हमारी कार की टिक्की बज रही है और आपको अपनी आलू की टिक्की की पड़ी है इंडिया में। मैडम इनको कह दीजिए कि कार पार्किंग में अपना ट्रक घुसेड़ के खड़ा ना करे, कबूतर उड़ गए। देख ऐसा है, हाँ? कार पार्किंग हाँ? है yes! ट्रक पार्किंग ना है, अपना ट्रक वहां खड़ा ना कर, बात खत्म। कहाँ लिखा है जी? मैं जी सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि वो कार पार्किंग है जी? मैडम जी देखो जी, मैडम जी जब हमने फ्लैट खरीदा था ना, हमने पार्किंग भी साथ में खरीदी थी। अब अगर वो कार पार्किंग है मैडम, तो वहां सारी बिल्डिंग के जितने लोग हैं सब अपना स्कूटर साइकिल मोटरसाइकिल क्यों पार्क कर रहे हैं जी? हॉर्न बजा के पौ पौ। ओके। और अगर वो लोग अपना ये सब कुछ वहां पार्क कर सकते हैं, तो मैं भी अपना ट्रक वहीं पार्क कर सकता हूँ। पौ पौ। कार पार्किंग के अंदर ट्रक पार्क ना होगा, बिल्डिंग के बाहर इंतजाम कर अपने ट्रक का। ना हम अपनी गड्डी बिल्डिंग के बाहर नहीं करेंगे जी पार्क, हॉर्न बजा के पौ पौ। हाँ जी मैडम जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप पुलिस वाली हैं तो आपको देख के हम डर जाएंगे, हॉर्न बजा के पौ पौ और अपनी गड्डी बिल्डिंग के बाहर ले जाएंगे? ना, अंदर ही पार्क करेंगे, हॉर्न बजा के पौ पौ। मैडम जी आप कानूनी तौर से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हॉर्न बजा के पौ पौ। और तुम दोनों चेंटू ते पेंटू, तुम आओ बिल्डिंग में, तुमको तो मैं बाहर देख लूंगा, हॉर्न बजा के पा पा।
ठीक है जी, चलो चलते हम हॉर्न बजा के पापा बड़े आए। निकल जाए यहां से, थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों से दूर हो जा वरना जान से मार दूंगी। गया मैडम, ये ट्रक वाला तो आपको इंसल्ट की रोटी के साथ बेइज्जती का आचार खिला के और बिना पानी पिलाए चला गया और आप यहाँ बैठी देखती रही। भाई चिंटू पिंटू ऐसा है, इस ट्रक वाले को सबक जरूर सिखाएंगे। उससे पहले जरा अपने आंख कान बंद कर लो, एक गोली चलेगी यहाँ, एक आदमी मरेगा थाने में। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टिंचू टाए टाए सनन सनन साए साए एडिया आ रहा है। तो उस ट्रक के नीचे तैने कुचलवा दूंगी पहले मैं, फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा झाड़ियों के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। यू थिंक दिस आइडिया विल वर्क? अरे मैडम गेंदा गदरीली की कसम, मेरा मतलब है चंपा चिरौंजी की कसम, मेरा मतलब है गोपी की कसम, अगर ये आइडिया फेल हो गया तो आपके मोटे मोटे गाल, मेरा मतलब है कि मेरे मोटे मोटे गाल और आपके गोरे गोरे हाथ। तो भाई सुनो चिंटो पेंटो, ऐसा है इब तुम अपनी अपनी गाड़ियां इस आलू वालिया की ट्रक के अंदर पार्क करोगे। ऐसा कैसे बात करेंगे इंडिया में? गुलगुले टाइम फॉर अ डेमो। ना यह चंद हुंदा ना यह तारे हुंदे, वाह वाह नाची ना यह चंद हुंदा ना यह तारे हुंदे, वाह वाह आगे बोलो। ना यह चंद हुंदा ना यह तारे हुंदे, ना आप हुंदे ना करप्शन होंदी। अब है सीखने की बारी क्योंकि डेमो की हो गई है पूरी तैयारी। ओके बाय। तो भाई ऐसा है कि यो जो है एक डेमो है और यो दोनों हमारे बालक गोभी गुलगुले बनेंगे तुम्हारी गाड़ियां रिस्पेक्टिवली। तो भाई इस टेबल को आप ट्रक समझ लें, उस आलू वालिया का ट्रक और यो दोनों तो गाड़ियां हैं। तो भाई उसके बाद ऐसा है कि ईव एक एक करके ये गाड़ियां जो है तुम्हारे इसमें चढ़ेंगी अपने ट्रक में, यानी कि टेबल रूपी ट्रक में। गुलगुले जस्ट लीव इट टू मी मैडम, आई एम द किंग ऑफ डेमो। तुम्हारी गाड़ी डीजल है क्या पेट्रोल? डीजल डीजल ना, डीजल है ना, सुन ले डीजल कह रहा है ना, ईप के होगा डीजल है तो नहाएगा डीजल में। हाँ तो मैडम जरूरी है मैडम, ये सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि डीजल गाड़ी जो होती है ना मैडम वो आवाज ज्यादा करती है, तो तुम्हारी गाड़ी डीजल है? डीजल डीजल। तो ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी अब समझो मैं हूँ तुम्हारी गाड़ी, डीजल गाड़ी। देखो हिलती भी ज्यादा मैडम, तुम्हारी गाड़ी ऊपर चढ़ने वाली है देखो। एक टाइम में चढ़ नहीं पाती है, मेरी चढ़ गई। हाँ भाई तू चल। हाँ भाई तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, पेट्रोल वाली? पेट्रोल पेट्रोल नहीं होगा तो पानी पे चलेगी, डीजल और पेट्रोल के अलावा और कितने तेलों पे चलनी है गाड़ियां? कहना मम्मी जी जो पेट्रोल वाली होती है ना वो आवाज कम करती है। चल पेट्रोल चल अपना पेट्रोल। बस ठीक इसी तरीके से जो है ना अपनी अपनी गाड़ियां उस आलू वाले आके ट्रक में चढ़ा दो। yes! फिर देखो कैसे उसके साले के होश ठिकाने आवे हैं।
मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एसपी साहब। सर वो प्रमोशन की लिस्ट के बारे में बात हुई थी ना हमारी, तो सर मैं क्या कह रही हूँ कि इसका करवाइए जरा, छोरेगा हमारा अपना ही बच्चा है गुलगुले। सर घना मेहनती छोरा है, फैमिली बॉय है सर। मैं भी बच्चे हैं सर, दो छोटे छोटे सर, वेरी नाइस बॉय सर। मम्मी जी मैं भी, मेरा नाम भी बोल दो, मेरा नाम भी। हाँ सर, नहीं सर गोपी तो एक आध साल में वैसे ही रिटायर होने वाला है, उस पर क्यों जो है वक्त बर्बाद कर रहे हैं हम ना। मैं तो कह रही हूँ पहले ही करवा दीजिए, रेस्ट कर लेगा, भगवान का नाम लेगा। हाँ सर दे, हाँ ओके सर, गुलगुले का देख लीजिए। ओके सर थैंक यू। चल हट। लगता है किस्मत ने इन्हें है फिर मारा, दोनों आ गए दोबारा। ओके बाय। आइए आइए मैडम, हमारी कारें। हाँ तो तुमसे कहा था कार को ट्रक के अंदर पार्क करो, नहीं किया क्या? मैडम आपके कहने के अनुसार हमने हमारी कारें लकड़े का फट्टा लगा के उस आलू वाले की ट्रक के अंदर पार्क की थी इंडिया में। ना उसने हमसे झगड़ा किया, ना उसे किसी बात की कोई परेशानी हुई, लेकिन वो सुबह 6 बजे ट्रक लेके निकल लिया और सीधा रात को घर लौटा। हमने उससे पूछा हमारी कारें कहाँ हैं, तो हमें कहने लगा अपनी अपनी पार्किंग में जाके देखो, मुझे क्या पता। कबूतर उड़ गए। मैडम कहीं उसने हमारी कारें बेच तो नहीं दी होगी इंडिया में? गुलगुले मैं अपने वादे का पक्का हूँ मैडम, आपके गोरे गोरे हाथ और मेरे मोटे मोटे गाल। हाँ एसपी साहब। नहीं नहीं वो सर वो गुलगुले का सर फालतू आदमी है ये गुलगुले, इसका रहने दीजिए प्रमोशन। मैं तो कह रही हूँ डिमोशन करवाइए, वापस सेना में भेजिए, ट्रेनिंग की जरूरत है साले को। हाँ सर नहीं कोई जरूरत है सर, ना अगले 10 सालों तक प्रमोशन करवाने की जरूरत नहीं है सर। ओके सर। मम्मी जी हूँ ए दाऊदा उल्टा पै गया, हूँ अग्गे की करना है। दाऊदा दाऊदा, अबे ऐसी भाषा में बोल जो समझ में आए लोगों की। चल चल चल। मम्मी जी मेरा कहने का मतलब है ये दाऊ तो उल्टा पड़ गया, अब आगे क्या करना है? ई भोगी आलू वालिया की ऐसी की तैसी।